कास्टिंग, नो प्रेशर कि रेटिंग्स कौन पर्टिकुलर एक्टर दे रहा है, हालांकि वो सेट पे खून थकवा रहा है लेकिन उसको लेना ज़रूरी है, वो सब नहीं था। ज़ीरो प्रेशर कि आप कहीं भी किसी को भी कास्ट करो एज लॉन्ग एज वो सूटेबल हो फॉर द रोल। नंबर थ्री, टेक्निकल, द फोकस ऑन टेक्निकल एक्सलेंस के साउंड डिज़ाइन हो गया, म्यूज़िक हो गई, जिस तरह के कैमरा यूज़ होने, वो एक इंटरनेशनल लेवल ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अपने क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो इट्स नॉट कि जो हो गया चल गया, ये भी नहीं कि अच्छा शूट कर रहे हो लेकिन परसों ऑन एयर जाना है तो जल्दी भागो लास्ट भागो मिनट। भागो। तो इसमें हमें पूरा एक साल लगा है प्लस टू शूट एडिट मेक इट फाइनल। सो इस ये कुछ डू यू थिंक इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान फिल्म, पाकिस्तान लोकल इंडस्ट्री में? देखिए कोई डिपेंड प्रेशर करता पड़ है, रहा है? आई होप सो, आई होप कि ये आ रहा है, उसके बाद तीन और आ रहे हैं, तीन वो और आ बिल्कुल रहे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं हैं। और ये सारे हमारे जो नोटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स इस पे काम कर रहे हैं। सो आई डेफिनेटली होप टीवी इंडस्ट्री को ज़रा होश आ जाए कि एक तरह का प्रोडक्ट ना करें हर वक्त, क्योंकि मुझे तो फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट इट्स सैड कि मैं अब सीरियल से डरती हूँ कि मुझे नहीं करना सीरियल, बिकॉज जो मेरे पास स्क्रिप्ट आएंगे मैं पढ़ते ही आई थिंक तीसरी लाइन पर रोना शुरू हो जाऊँगी। सो आई कांट बेयर टू, मैं आई थिंक इतने साल कर लिया, आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ विच आई बिलीव इन नाउ एंड आई होप टीवी गेट्स बैक टू इट, बिकॉज मेरा बिगिनिंग ही टीवी से आई थी। नो एंड वी मिस यू देयर, वेल वी मिस यू इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। मेरे पास वो भी सवाल है कि लास्ट हमने दोबारा फिर से देखी थी, और पिछले 3 सालों में तो इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही है जी, और हमने मेरी जबार नहीं देखा उनका, क्यों? यही मेरे को वजूहत ऑफर ही नहीं थी? कर रहा फिल्म, क्या करूं ऑनेस्टली दोबारा फिर ओके से के बाद उन्होंने कहा दोबारा नहीं हो ओके बाय बाय। रहा नो नो, मेरे पास हैं फिल्म आइडियाज, अब कोविड के बाद तो पता नहीं क्या होना है, है। बट मैं भी एट दिस एज आई वांट टू डू ऑब्वियसली वो फिल्म जो मैं करना चाहूंगी, करना एंड ये चाहूंगी। नहीं, इसका ये नहीं मतलब मैं सिर्फ सीरियस फिल्म या आर्टी फिल्म करनी है, एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज चैलेंजिंग फन, तो अगर कोई प्रोड्यूसर्स हैं कोविड के बाद मेरे पास आ सकते हैं। डू यू थिंक चुड़ैल ने आपके लिए थोड़ा सा रास्ता खोला या आसान किया है, इन द सेंस के ज़्यादा लोग अब देख रहे होंगे Z5 को? शुरू के जो भी हिकअप्स थे या जो भी लोगों को वो थी कि Z5 पे इंडियन चैनल पे क्यों आ रहा है एक झूठी लव स्टोरी को, उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है? बिकॉज बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसको पहले आना चाहिए था और चुड़ैल जैसे सीरियस और एक वेरी डिफरेंट जॉनरा को शायद पहले नहीं आना चाहिए था। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? आई मीन आई डोंट थिंक सो, आई थिंक दे हैव अ स्ट्रैटेजी कि चुड़ैल्स एंड आसिम इज़ अ गुड फ्रेंड, मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर, एंड मैंने चुड़ैल्स देखनी अभी देखी नहीं क्योंकि अमेरिका में है नहीं Z5 अभी, सो अब मैं कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी देखने की, बट आई थिंक चुड़ैल्स लुक्स लाइक अ फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट एंड आई थिंक देखें एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्टेंट इज़ लोकल, दीज आर लोकल स्टोरी टेलर्स, उमेरा मैं हमारे एक्टर्स यहाँ लोकल टेक्नीशियंस हैं सारे जो काम कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर एंड हैव टू बी यूनिवर्सल। हम भी नेटफ्लिक्स पे टर्किश, कोरियन, ईरानियन सब शोज देख रहे देखते हैं। हैं, सो हम महदूद अगर इस तरह सोचेंगे ना एक उस एक टनल विजन के साथ तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगी आगे। Z5 पे जितने अभी ये चुड़ैल पे ये कॉन्वर्सेशन बहुत हुई थी तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो कंटेंट आप लोग बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? इज इट फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस? क्योंकि अगर कोई चीज़ होती है ना जो पाकिस्तान की ऑडियंस की थोड़ी सी उनको पुश करती है उनके स्टैंडर्ड्स को या उनके नॉर्म्स को या उनके कल्चर उनके वैल्यूज़ को, तो वो लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान के लिए तो बना ही नहीं था। सो इज एक झूठी लव स्टोरी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस? या और वैसे भी Z5 पे जितने लोग, ये 5 लोग जो इन्वॉल्व हैं मेन, वो किन के लिए बना रहे हैं कॉन्टेंट? देखिए जब आप आई थिंक ये कंटेंट एक यूनिवर्सल कंटेंट है, बट प्राइमरीली फॉर द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, जो यहाँ लोग रहते हैं और जो बाहर डायस्पोरा है हमारा, बिकॉज वो कहानियाँ एज आई कीप सेइंग, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत सिमिलर हैं, हमारे भी वही कंसर्न्स हैं कि हमने रोटी कमानी है, हमने बच्चों को सेटल करना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, सो एट द एंड ऑफ द डे इंसान सिमिलर ज़्यादा होता है, डिफरेंट कम। तो आई थिंक ये आराम से यहाँ टीवी पे भी चल सकता है एक झूठी लव स्टोरी, एंड आई थिंक इंडियंस को भी अपील करेगा, बिकॉज वही जो मसले जो इसमें बता रहे हैं वहाँ भी हैं। तो Z5 से आपको क्या सपोर्ट मिली, मतलब इसका अदर देन कि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है एंड एज यू सेड क्रिएटिव लाइसेंस आपको इन सर्टेन जगहों पे मिला, उसके अलावा Z5 से क्या सपोर्ट मिल रही है, ये क्या फ़ायदा हुआ है आप, या हम ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ है? आई थिंक फ़ायदा ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा टिपिकल मैं कहूँगी यहाँ है बहुत टैलेंट,
और चाहिए हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी एक्सपोजर की ज़रूरत है और होनी चाहिए. हमारे जो आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन, स्टोरी टेलर्स, सिर्फ पाकिस्तान इज़ फाइन ऑल्सो, लेकिन आप डिजिटल मीडिया, आपको पूरा एक इंडियन ऑडियंस आपके टैलेंट से अवेयर होगी. आप अपनी कहानियाँ वहाँ, बिकॉज हम इंडियन फिल्म तो बहुत देखते हैं, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है टू सी स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान. सो दिस इज़ वेरी गुड. आई फील इट्स अ ह्यूज ऑडियंस इन इंडिया कि वो भी देखें यहाँ क्या क्या अच्छा काम हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई फील Z5 इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. बट आपको अफसोस हो रहा है कि एक परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सी दिस बिकॉज ये एक चैनल पे नहीं आ रहा है और यूट्यूब पे भी नहीं आएगा. अफसोस है. आई एम सैड, बट यार सिर्फ 1500 का है इन अ ईयर. 75 है फॉर 3 days और 7 days. हाँ हाँ, तो बस वो अगर करके देख सकता है कोई भी, आप फोन पे देख लो, अपने टीवी पे देख लो, एंड वो करने से हमारा ही कंटेंट और हमारे लोग सपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज हमने काम किया है, हमें भी यू नो. सो यू फील द इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये भी एक डिबेट चल रही है कि इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है. यू फील पाकिस्तान में इंजेक्ट हुई है इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल इंडिया इज बिल्कुल प्रोड्यूसर्स भी तो है ना उनके पास. आई थिंक इट्स बोथ वेज बिकॉज अगेन पीपल हियर वर पेड, राइट, वी गॉट वर्क, एम्प्लॉयमेंट मिली है. तो आई थिंक इट्स अ विन विन दोनों लोगों के लिए. कुछ बॉलीवुड का आपने इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसमें एंगल डाला है या कुछ टच डाला है? आई कुड हियर अनुष्का शर्माज नेम इन द सॉन्ग रेफरेंसेस. उसके अलावा कुछ आपने ऐसा किया टू और यू वांटेड टू कीप इट अ टोटल पाकिस्तानी एक्सपीरियंस फॉर? हाँ नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. अनुष्का शर्मा का भी ब्योखाला का एक वो इम्प्रोवाइज डायलॉग आ गया उसी वक्त. आई डोंट थिंक स्क्रिप्ट में था वो. सो ऐसा नहीं, कोई नो कॉन्शियस एफर्ट. सो उनका कैरेक्टर है क्या, वो हमारा कॉन्शियस है जो बोल रही होंगी? बिकॉज आजकल ड्रामों में ये भी होता है ना कि एक कैरेक्टर होता है जो ऑडियंसेस के रिएक्शंस या ऑडियंसेस जो उस वक्त सोच रहे उनको वॉइस आउट कर रहा होता है या कॉन्शियस बन जाता है. इज शी इज द वॉइस ऑफ ऑल द स्टेरियोटाइप थिंकिंग जो है हमारी. शी इज़ अ फैंटेस्टिक कैरेक्टर बिकॉज वो चाह रही हैं कि एक पर्टिकुलर वे में उनके बच्चों की शादियाँ हों, लेकिन उनकी वो जो ड्रीम्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही. एंड शी इज़ जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सो यू वॉच इट्स it'll be fun. वो तो कहते हुए मुझे हंसी आ रही है. I just loved her in the trailer. Madiha Imam and Bilal. What would you say about them? I know Madiha ke sath aapne pehle bhi kiya, Bilal ke baare mein bhi aapne bola. Something that inspired you or you admired about them, other than being very professional, koi ek cheez dono ki bata sakte hain that you were really happy about? I was very just, you know, I mean, what does a director want? Ke aapka jo saath actors hain, wo usi page pe hon aur wo samajh rahe hain hum kya kar rahe hain aur usi mehnat aur lagan se kaam kar rahe hain jo baaki team kar rahi hai. And that's it. I mean, it was really actually a very positive atmosphere and positive attitude jo dono se aaya. So Bilal, yeah. सवाल बहुत पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे थे? मुझसे इतने नहीं पूछे, कम पूछे. आई थिंक शुरू में हम समझ लिया था हमने दूसरे को. हाँ हाँ. एंड मदीहा का कैरेक्टर जो है, does it reflect the average Pakistani youth? It's a part of that. She is सबसे छोटी है फैमिली में और एज यूजुअल जो सबसे छोटे होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन भी ये भी होते हैं कि घर का सारा काम किया जाए. उसको वो इग्नोर भी हो जाती है बाज़ दफ़ा. सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर फॉर ऑल द पीपल जो सबसे छोटे घर में हैं और जिनको टेक फॉर ग्रांटेड करती है ना फैमिली, उस तरह की. बट